देखिए किसान भाई, एक्चुअली गेहूं का जो अभी समय है मार्च का अंतिम, मतलब जो महीने का मध्य और समझिए अंतिम दौर में, मतलब गेहूं का पकने का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने का है कि अगर अगात लगाए हैं गेहूं का, तो निश्चित है कि जो वर्षा अभी हो रही है रुक रुक करके, ये आपके लिए मददगार है, ये दाने भरने में मदद करेगा। और ऊपर की अगर कुदृष्टि नहीं रही, यानी कि ओले वगैरह नहीं पड़े, तो स समय इसकी, मतलब कि बाल अगर पक गया हो तो यथाशीघ्र इसको काटने का प्रयास करें, काट करके उसको खलिहान में ले जा करके और दौनी, ये सारे कार्यक्रम यथाशीघ्र कर ले, जिससे कि जो अभी ओले पड़ने का समय आया है उससे आप बच सकें। सावधानी तो यही बरतने का है। दूसरा है जो खसर के विलम्ब से जो गेहूँ लगाए हैं, तो उनके लिए तो मददगार है। और सिंचाई थोड़ा सावधानी से करना है, क्योंकि अब पछुआ हवा चलने का समय आ रहा है, और सिंचाई वगैरह जब भी करें तो मतलब कि शाम को करें, और चाहे दिन के उत्तरार्ध में करें, जिससे कि आपको पौधा या सिंचाई बहुत ही मतलब कि देखरेख में करें, अधिक पानी ना जाए खेतों में, और संभव हो सके तो स्प्रिंकलर मेथड इत्यादि अगर हो तो उसके मेथड से करें, जरूरत के हिसाब से पानी दें। और अधिक पानी देने से बचना है, क्योंकि तेज हवा चलेगी और गेहूं की जड़ हिल जाएगी तो फिर आपका गेहूं सूखने का संभावना मतलब भी बनता है। तो किसान भाई, आपसे यही आग्रह है कि इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप जो खेतों में उत्पाद है उसको बेहतर देखभाल करेंगे।